नमस्कार, सलाम, जय श्री राम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानिश कनेक्ट 261। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ, जहां पर एहसान मानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने यह कहा है कि जो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया के अंदर, उसके लिए हमें एश्योरेंस चाहिए वीजाज की, हमारे प्लेयर्स के लिए, हमारे सपोर्ट स्टाफ के लिए, जर्नलिस्ट के लिए और फैंस जो इंडिया आएंगे, जिसकी उन्होंने कैटेगोरिकली ICC को भी लिख के दे दिया है और वो जवाब का वेट कर रहे हैं। इन मार्च दे आर वेटिंग है इंडिया उनको क्लियरेंस दे दे। अगर इंडिया नहीं देती है तो ये पॉसिबिलिटी कह जा रही है कि ये जो टूर्नामेंट है वर्ल्ड T20 वो दुबई में शिफ्ट हो जाए। मेरा ये मानना है तो दुबई में शिफ्ट होना नहीं चाहिए और इंडिया जो है इनको एश्योरेंस भी देगा, वीजाज भी देगा, प्लेयर्स को, सपोर्ट स्टाफ को, जिस तरह से PCB ने जो जो रिक्वायरमेंट की हुई है वो सारी चीज देगा और ये वर्ल्ड T20 जो है इंडिया में ही खेला जाएगा और इंडिया में खेला जाएगा तो लोग इंजॉय करेंगे। काफ़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स के फैंस हैं इंडिया के अंदर भी और दे लव टू सी पाकिस्तान एंड इंडिया मैच। ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर वेटिंग टू वॉच पाकिस्तान एंड इंडिया का क्लैश ग्राउंड के अंदर, जो सबसे बड़ा एक टाकरा होता है, इवन के एशिज से भी बड़ा टाकरा होता है ये। तो एवरीबडी इज वेटिंग एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग कि इंडिया जो एक पॉजिटिव रिप्लाई देगा। ठीक है, उसके अंदर थोड़ी बहुत ये होगी कि चीज़ें कम होगी कि जहाँ सपोर्ट स्टाफ की बात है वहाँ थोड़ी कमी पेशी होगी, फैंस के हिसाब से वीजेज होंगे उसमें थोड़ी कमी पेशी होगी, जर्नलिस्ट की भी एक लॉक कर देंगे कि इतने जर्नलिस्ट आने चाहिए, ये सब चीज़ें, बिकॉज जो कोविड का टाइम चल रहा है, बायोसिक्योर बबल है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से ये संभावना है कि मे बी शायद ये चीज़ें कम हो। बट वर्ल्ड कप तो इंडिया में ही होगा और जो पब्लिक का प्यार मिलता है इंडिया में वो और कहीं और तो मिलता नहीं है। इतना ओवरवेलकम करते हैं वो, ओवरवेल्म्ड होते हैं और इतनी ज़्यादा हमें, जब भी मैंने टूर किया मैंने तो बहुत इंजॉय किया इंडिया में आके, बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया हर जगह पर, हर चीज़ से वेलकम किया गया, इवन के रेस्टोरेंट्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, सब जगह जाने के वहाँ पर प्रोटोकॉल्स हमें प्रॉपर मिले थे और मुझे पूरी ये उम्मीद है कि इस दफ़ा भी जो है पाकिस्तान टीम को भी प्रोटोकॉल्स जो वो मांग रहे हैं उनको पूरे दिए जाएंगे और ये इवेंट है इंडिया के अंदर ही होगा। इससे देखें क्या होगा कि इंडिया में मार्केट एक बहुत बड़ी है और अपना वहाँ से जो है इंडिया भी चाहेगी कि होस्ट जो करे इंडिया के अंदर करे, जहाँ पर बाकी टीमों की भी मैचेस चल रहे हैं, सारी चीज़ चल रही है, तो एक अच्छा वो बनता है, इन्वायरमेंट बनता है। दुबई के अंदर वो मज़ा नहीं आएगा, वो इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, जो पिचेस का भी मैार है दुबई के अंदर हमने देखा IPL में भी, वो इतना मज़ेदार नहीं रहा जिस तरह से इंडिया के अंदर हाई स्कोरिंग गेम भी होते, लो स्कोरिंग गेम भी होंगे, तो पब्लिक इंजॉय करेगी और फिर जब इंडिया के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो उसका मज़ा तो एक और ही चीज़ होगी। तो आई थिंक ये जो है पॉजिटिव जवाब आने को है इंडिया का मार्च के अंदर, आई थिंक दे विल गेट अ पॉजिटिव आंसर एंड जो है वर्ल्ड T20 इंडिया में ही होगा। दूसरी बात ये एशिया कप है पोस्टपोन्ड हो सकता है, वो क्यों, बिकॉज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून में खेला जा रहा है और श्रीलंका में ये जो है एशिया कप होने जा रहा था, तो जहां पर इंडिया की टीम 99% अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुकी है, बस वो 1% है वो हो जाएगा जब ये आखिरी टेस्ट मैच इंडिया जो है जीत जाएगी तो ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इंडिया विल प्ले विथ न्यूजीलैंड इन लॉर्ड्स, जो इंग्लैंड के अंदर खेला जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, और इसकी डेट्स जो है वो क्लैश कर रही है एशिया कप के साथ। एशिया कप लास्ट ईयर होना था कोविड की वजह से, इस साल किया श्रीलंका में होना जा रहा था, लेकिन अभी जो डेट क्लैश हो रही है उसकी वजह से ये मे बी शायद 2023 में चला जाए। ये बहुत लंबा टाइम हो जाएगा कि इतना दूर चला जाएगा एशिया कप, और फिर जी क्योंकि आपके पास जो कैलेंडर ईयर होता है ICC का, उसके अंदर बिकॉज ऑफ कोविड एंड एवरीथिंग थिंग्स हैव चेंज अराउंड, चीज़ पहले जैसी नहीं रही है, बायोसिक्योर बबल, फिर ट्रैवलिंग, कोविड के टेस्ट, आपको उसके अंदर रहना, बबल में रहना, बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, फ्रेंचाइजेस क्रिकेट हो रही है, IPL है, PSL है, उसके बाद दूसरी लीग्स है, CPL होने जाएगी अभी, बहुत सारी चीज़ें होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रही है, तो मेरे ख्याल से एशिया कप को हमें थोड़ा डिलेड मैं देख रहा हूं कि मे भी शायद ये डिलेड हो जाए और ये 2023 में चला जाए। अगर इंडिया नहीं पहुंचती है फाइनल में देन ये हो जाएगा, लेकिन इंडिया के चांसेस 99% तो हो गए, 1% का चांस है जो आखिरी टेस्ट में जीतेगी तो पूरे चांसेस हो जाएंगे और दे विल टेक ऑन न्यूजीलैंड। तो ये दो चीज़ें थी जो आज अपना काफ़ी अपना हाइप बनी हुई थी वर्ल्ड T20, और मैं पहले ही जब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मेरा दिल यही मान रहा था कि इंडिया की तरफ से एक पॉजिटिव, एक अच्छा जवाब आएगा और वो रेडी होंगे होस्ट करने के लिए वर्ल्ड कप और पाकिस्तान को भी अश्योरेंस दे देंगे
कि भाई आप आए, हम आपका पूरा प्रोटोकॉल देंगे और सारी चीज़ें जो आप मांग रहे हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी पेशी होगी, बट वी विल गिव यू। और एशिया कप जो है वो मे भी शायद 2023 में चले जाए। तो ये चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ मेरी क्या फीलिंग है इसके बारे में। मैं समझता हूँ कि अगर एशिया कप आगे हो जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्ल्ड T20 शिफ्ट ना होना चाहिए इंडिया से दुबई में। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय फॉर नाउ।